खबर आ रही है, पहलवानों के समर्थन में कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी अब सामने आ गए। इससे पहले आपको पता होगा कि उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा धरनास्थल पर पहुंचे थे, लेकिन अब जंतर मंतर पहुंच गए कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा से सांसद हैं, हरियाणा राज्य से वो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं हरियाणा राज्य का। कांग्रेस की ओर से वो सांसद हैं। दीपेंद्र हुड्डा जंतर मंतर पहुंच गए हैं, उन्होंने पहलवानों के समर्थन में यहां पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, अपना समर्थन दर्ज करवाया है। जैसा कि हम आपको हमेशा से बताते रहे कि पहलवानों को राजनीतिक सपोर्ट बहुत मिल रहा है। अगर हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, हरियाणा कांग्रेस की ओर से वो आए, हरियाणा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी अब जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो भी पहुंची थी, उन्होंने भी पहलवानों से मुलाकात की। केरल के जो सांसद हैं, आप देखिए जो लेफ्ट के सांसद हैं वो श्रीमती हैं जो उनका नाम, वो भी पहुंची थी, उन्होंने भी साक्षी मलिक से मुलाकात की थी। फिर आप याद करेंगे जयंत चौधरी आरएलडी के अध्यक्ष, वो भी पहुंचे थे। फिर आप याद कीजिए नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, ये कई ऐसे जो लोग हैं वो यहाँ पर धरनास्थल पर पहुँच रहे हैं। फिर आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको DCW की ओर से स्वाति मालीवाल याद आएंगी जो कि इनके फेवर में हैं। फिर आप और आगे देखें तो खाप पंचायत के जितने प्रतिनिधि हैं, चाहे फोगाट खाप हो, सांगवान खाप हो, इन सब खापों के जितने प्रतिनिधि हैं वो इनके समर्थन में हैं। फिर आप और देखिए तो सरपंच एसोसिएशन, रणबीर सिंह समैन हमारे साथ पहले जोड़े थे, तो देखिए सरपंच एसोसिएशन का भी साथ इन्हें मिल गया है। फिर आप देखेंगे कि जब साक्षी मलिक ने और विनेश फोगाट ने ये कहा था कि बैडमिंटन, एथलेटिक्स और स्टार क्रिकेटर्स, ये इन सब खेलों से जुड़े लोग हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे हैं, जब हम मेडल जीत कर आते हैं तब तो हमें खूब बधाई देते हैं, तब तो हमसे मिलने आते हैं, अब हम दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? तो आप देखिए उसके बाद क्रिकेटर्स में से कपिल देव वो आगे आते हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स की ओर से आगे आते हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। पहलवानों को लगातार समर्थन मिल रहा है। और जंतर मंतर से मेरी सहयोगी अनुष्का जुड़ गई हैं। अनुष्का, क्या जानकारी आपके पास? दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे हुए हैं, अगर आप तस्वीरें दिखा सके। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं। सीधी तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी हैं उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं एक तरीके से आशा देखने को मिल रही है कि लगातार इस तरीके से विपक्षी दलों से उनको समर्थन मिल रहा है। यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी आए हैं और उन्होंने ये बात कही है कि यहाँ पर जो है जिस तरीके से खिलाड़ी यहाँ पर बैठे हुए हैं वो काफी ज्यादा दुखद है। दीपेंद्र हुड्डा ने यहाँ पर क्या कहा है अनुष्का? जी फिलहाल उन्होंने मीडिया को इस तरीके से एड्रेस नहीं किया है, लेकिन वहाँ पर जो खिलाड़ी है उनसे उन्होंने बातचीत कही और की है और उनको सांत्वना देने की कोशिश की और ये बताया अपनी जो है उन्होंने इजहार किया इस बात का कि किस तरीके से यहाँ पर खिलाड़ियों का जो बैठना जो है देश के लिए काफी निराशापूर्ण बात है, जिस तरीके से यहाँ पर हो रहा है इस पर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए और जल्द से जल्द जो वर्डिक्ट है वो निकलना चाहिए और जो है जो कार्रवाई हो रही है उसको जो है पहलवानों के साथ भी साझा किया जाना चाहिए। अनुष्का, चूंकि हम तस्वीरें तो अभी नहीं देख पाए हैं तो दीपेंद्र हुड्डा किन किन से मिले? बजरंग पूनिया से, साक्षी मलिक से किन से मिले हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जब से दीपेंद्र हुड्डा पहुँचे हैं हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे तमाम जो रेसलर्स हैं सबसे यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी एक बार जूम करके दिखाने की जहाँ पर आप देख सके किस तरीके से यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है यहाँ पर रेसलर से मिलके उनकी ढांढस बांधने की कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अनुष्का, दिक्कत ये आ रही है कि जो हुड्डा पहुंचे, दीपेंद्र हुड्डा, उनके साथ कांग्रेस के और कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और चूंकि पॉलिटिशियंस आते हैं तो वैसे ही भीड़ बहुत साथ में आती है, तो भीड़ से वो इतना ज्यादा घिरे हुए हैं कि हम प्रॉपर तस्वीरें इस वक्त देख नहीं पा रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा कहाँ पर है। इस भीड़ के बीच में दीपेंद्र हुड्डा मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही उनके साथ जो समर्थक आए हैं उनके वो थोड़ा पीछे हटें, वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वो थोड़ा पीछे हटें तो ये तस्वीरें आप तक हम साझा कर पाएं। अनुष्का, इसके अलावा आज पूरे दिन सुबह से आप वहाँ पर मौजूद हैं, क्या क्या चीजें आपने देखी हैं, कौन कौन वहां पर पहुंचा है? आप बता रही थी कि मेधा पाटकर, जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसा इतना बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा, या कहूं कि इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन को पहुंचाया था, ऐसी शख्सियत का अब पहलवानों के साथ आना, कैसे देखती हैं आप इसको?
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से खिलाड़ी जो है यहाँ पर निराश बैठे हुए थे कि जिस तरीके का उनको समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ये जो खिलाड़ी है उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, तो जिस तरीके की रिस्पेक्ट उनको मिलनी चाहिए, जिस तरीके से उनके इस मुद्दे को उठाना चाहिए उस तरीके से उठाया नहीं जा रहा था। मगर हम आज ही देख रहे हैं कि इस तरीके से जो बड़े बड़े दिग्गज नाम है खेल जगत के भी और राजनीतिक और सामाजिक जो लेवल है उसके भी जो लोग हैं यहाँ पर आकर उनको समर्थन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये खिलाड़ियों के लिए भी एक बहुत ही उम्मीद भरी बात है कि यहाँ पर मेधा पाटकर, दीपेंद्र सिंह हुडा और बीते दिनों की अगर हम बात है यहाँ पर पहुंचे, कपिल देव ने भी इंस्टाग्राम के जरिए यहाँ पर आज जितने भी खिलाड़ी हैं उनको लेकर के ये जो है एक तरीके से ये बात कही कि उनको जो है कब न्याय मिलेगा, इसको लेकर के जो है ये बात कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके इस लेवल की जो सपोर्ट है जो खिलाड़ियों को मिल रही है वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत ही आशा और हिम्मत बांधने वाली बात होती है। तो उसको लेकर के जो उम्मीद की लहर है वो यहाँ पर जितने भी पहलवान है उनके प्रोटेस्ट है उसकी शुरुआत में वो काफी निराश और हताश दिख रहे थे, वहीं पर आज जो हम देख रहे हैं कि उनके चेहरे पर आशा की किरण देखने को मिल रही है लगातार इस संघर्ष से, क्योंकि वो जूझ रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये जो छोटे मोटे सपोर्ट भी मिल रहे हैं और जो बड़े लेवल के भी सपोर्ट मिल रहे हैं वो उनके लिए काफी ज्यादा मायने रख रहे हैं। खाप पंचायत के भी जो लोग हैं यहाँ पर भारी संख्या पर मौजूद हैं, लगातार यहाँ पर सब जो है स्टेज पर चढ़ के इस बात को सामने रख रहे हैं कि किस तरीके से उनके साथ ये जो व्यवहार है वो बहुत ही गलत किया जा रहा है और जल्द से जल्द इस पर त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिए और जितने भी पहलवान हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। अनुष्का, क्या होना चाहिए वो तो हर कोई